अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। टेढ़ों के साथ टेढ़ा ही रहना पड़ता है। अब हमारा रिश्ता भी तो टेढ़ा मेढ़ा है ना, जब सीधा हो जाएगा तो मेहंदी भी अच्छी सी लगवा लूंगी। अभी जीजू को भी तो मेहंदी लगेगी ना, चलो जीजू को मेहंदी लगाओ। अगस्त्य को हम मेहंदी लगाएंगे। अगस्त्य हाथ आगे कर। रुको जरा, भाई ये किरण सिन्हा का दामाद है तो मेहंदी भी हम ही लगाएंगे। और कौन? उठो। ये गंगा मैया, हमारी बहू अवंतिका के हाथों में हमारे बेटे अगस्त्य के नाम की मेहंदी हमेशा लगी रहे। अवंतिका भाभी चाहे कितनी होशियार बने, उसको ये नहीं पता कि अनुज को ना आज तक वक्त पकड़ पाया है और ना हालात। ये क्या है, ये क्या करने जा रहा है? अम्मा अब बस आप देखती जाओ। अरे अरे बेटा, तो बम है ना बम, ये फटा तो हम सब फट जाएंगे ना। अम्मा नहीं फटेगा, ये बच्चा बम है। वो क्या होता है? जिसके गले में डालेंगे ना उसी को उड़ाएगा। जिस तरह एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते ना, वैसे ही एक घर में दो कुलदीपक नहीं रह सकते। इतने सालों तक पापा ने जो बड़े पापा की सेवा की है ना, उसका मेवा तो हम लेके रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने भी कुमुद भाभी की इतने सालों से जो जी हजूरी की है, आगे पीछे घूमकर, वो कुछ कम थोड़ी ना थी। इतने सालों से जो हम भूलने का नाटक करते आए, किस लिए? समझो आपका इंतजार खत्म। अवंतिका भाभी की डोली इस घर की दहलीज के अंदर आने से पहले अगस्त्य भैया की अर्थी इस घर से बाहर जाएगी। अच्छा सुनिए सुनिए सब सुनिए, आज होने वाला है एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मुकाबला, अगस्त्य और अवंतिका के बीच में नाच का मुकाबला। तो अब देखते हैं किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। ये वाला मुकाबला ना हमारी अवंतिका दीदी जीतेगी।
ओ तृष्णा जी, हमारे भैया का भौकाल बहुत ही टाइट है। भैया, श्रीवास्तव परिवार के मान का सवाल है। जब बात अभिमान की हो तो जीतूंगा तुम्हें। दिखाओ अपना भौकाल। अगर तुम श्रीवास्तवों का अभिमान हो तो हम सिन्हा परिवार की शान है। जय हुई ना बात। तेरे सीने में लगता है दिल नहीं, तू मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं। इस मुकाबले का विजेता है हमारा भैया। तो भाभी, अब तो हार माननी पड़ेगी और हमारे भैया के अभिमान को बढ़ाने के लिए तो माला भी आपको पहनानी पड़ेगी। ओह नया जी, वो माला दीजिएगा ना। चलो ठीक है, लेकिन ये माला हम अगस्त्य को उनके सामने पहनाएंगे जो हमारे हर पल के साक्षी हैं। हमसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा है, पर एक बात बताओ बेटा, ये माला पहनने वाले के अलावा और किसी को तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना? अगस्त्य
अगस्त्य की माला में ये क्या है? ये तो बॉम्ब लगता है। हेलो अगस्त्य, हम अगस्त्य को कैसे बचाएं? हमें इस बॉम्ब का रिमोट ढूंढना होगा। लेकिन ये बात हम अगस्त्य को बताएं कैसे? अगर हम चलाएं तो यहाँ अफरा तफरी मच जाएगी। और अगर बॉम्ब फट गया तो कई लोगों की जान जा सकती है। हे कन्नू जी, अब हम करें तो करें क्या? अवंतिका, अवंतिका क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। तुमने जो माला पहनी है उसमें बॉम्ब है। क्या कह रही? शांत रहना, यहाँ सब लोग हैं, सब डर जाएंगे। अच्छा, ये तो लग रहा है तुम बस मुझे गले लगाने के बहाने ढूंढ रही हो। ज्यादा ही उतावली नहीं हो रही तुम? बकवास बंद करो, मजबूरी में गले लगे हैं तुम्हारे। लेकिन तुम कभी नहीं सोचोगे। और अगर बॉम्ब यहाँ है तो उसका रिमोट भी आसपास ही होगा। कितनी बेशरम दुल्हन है, देखो तो कैसे लिपटी हुई है सबके सामने। अरे दैया, अरे कितनी बेशरम लड़की है। जैसे अजगर लिपटा रहता है ना चंदन के पेड़ से, वैसी भरी हुई है हमारे बेटे को। से तुम्हारा ड्रामा चालू हो गया ना मिस नौटंकी। नहीं मानता मैं तुम्हारी कोई बात और ना ही कभी मानने वाला हूं। अवंतिका, छोड़ो उसे। फेंक फेंक दे इसे बेटा, फेंक। माला में बॉम्ब है ये सिर्फ तुम्हें पता था, यहीं कहीं इसका रिमोट है ये भी सिर्फ तुम्हें पता है। ये सारे हादसे तुम्हारे आसपास क्यों होते हैं? सारी चीजें तुम्हें क्यों पता होती हैं? अगस्त्य, किसी ने तुम्हें बॉम्ब से मारने की कोशिश की है।
और वो जो भी है यही कहीं इसी हॉल में हमारे आसपास है। देखो सबको अच्छे से देखो, मेरी माँ, मेरे डैड, पूरा परिवार यहाँ खड़े, सारे लोग कितने डरे हुए, कितने डरे हुए सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमेशा का तुम्हारा यही है ना, हमेशा की तुम्हारी यही चाल रहती है, पहले खुद मुसीबत खड़ी करती हो, फिर सबको बचा के हीरोइन बन जाती हो। दिमाग का ना इलाज करवा लो ना, इससे पहले कि तुम नहीं समझोगी। अगस्त्य, जिस दिन हम इस घर में हो रही साजिश का पर्दाफाश करेंगे तुम उस दिन समझोगे। सर, हमारे गार्ड चारों तरफ तैनात हो चुके हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता क्यों ना करें, आप यहाँ शादी की तैयारी कर रहे हैं और कोई हमारी बर्बादी का षड्यंत्र रच रहा है। बरसों से कमाई हुई हमारी इज्जत, परिवार की सुरक्षा, उनकी खुशहाली, सब कुछ दांव पे लगा है। अपने गार्ड्स को कहिए कि सादे कपड़ों में रहें ताकि किसी को शक ना हो। आप चिंता मत कीजिए सर, हमारी टीम पूरी निगरानी रखेगी। शुक्रिया। ये सब ठीक हो जाएगा जी, आप चिंता मत कीजिए। आप बैठिए, मैं आपकी दवाई देती हूँ, बैठिए। नहीं आने वाली ना अगस्त, क्या हो गया? देखो देखो सबके चेहरे, अगस्त देख लिए सबके चेहरे, अब ये देखो। ये बंदूक भरी हुई है, हर माँ बाप का ना सपना होता है अपने बच्चे की शादी धूमधाम से करना, सबसे खुशी वाला दिन होता है उनके लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी डैड, मेरी माँ, मेरा पूरा परिवार, सबके सब परेशान है, सब डरे हुए हैं। आज पहली बार हमारे घर में ना गार्ड तैनात हुए हैं, घर नहीं जेल लगने लग गया मुझे ये। इस तरह मेरे अपनों को डर में पल पल मरते देखने से अच्छा कि तुम आज मुझे मार दो, आज क्या चाह रहा, किसका खत्म करो। मरना चाहती थी ना मुझे, चलाओ गोलियां अवंतिका, चलाओ सारा किस्सा खत्म करो आज। नहीं अगस्त, अगस्त बंदूक नीचे करो, मारो मुझे, मारो। नहीं अगस्त, अगस्त बंदूक नीचे करो, अगर गलती से चल गए तो अनर्थ हो जाएगा अगस्त। चाहिए मारो मुझे, गोली चलाओ अवंतिका, मैं कह रहा हूँ। नहीं मुझ में नहीं आ रहा तुम्हें, अगस्त छोड़ो, अगस्त क्या पागल बने, गोली चलाओ, चलाओ मारो मारो अगस्त, मारो मुझे। अगस्त, अगस्त, क्या बेवकूफी है ये? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी बेवकूफियाँ, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी नौटंकी से पागल हो गया हूँ मैं। कभी शाम, कभी बॉम्ब, कभी कुछ और, गुस्से से बढ़ रहा हूँ मैं। टिका, टिका आखिरी बार बोल रहा हूँ, जब तक हमारे फेरे नहीं हो जाते ना, उससे पहले तुमने कोई ऐसी हरकत की ना जिससे मेरे परिवार को रत्ती भर भी तकलीफ हुई,
उसके बाद बातचीत नहीं, गोली चलेगी। तो हमारी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। अपने जिद की वजह से इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसकी जान को खतरा है। नहीं, हमें कुमुद माँ से खुद बात करनी पड़ेगी, ताकि हम इसकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल सकें।